हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किचन कैप्टन। आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। तो चलिए फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मटर, आलू, शिमला मिर्च, गोभी ऐड कीजिए, जिसे हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, पानी डालें। और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आए तक पकाए। देखिए फ्रेंड्स, सारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल गए हैं। अब इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालें। उसे गर्म होने दें। फिर उसमें चॉप्ड ऑनियन डालें और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और थोड़ी देर के लिए भूनें। फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर भूनें। अब चॉप टोमेटो ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें नमक डालें और स्लो फ्लेम पर ढक कर पकाएं। 2 मिनट सॉफ्ट होए बाद इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। और ढक कर स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अब इसमें मैश्ड वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स करें। स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ढक कर पकाएं। अब इसमें चॉप्ड कोथमीर डालें और बटर ऐड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी पाव भाजी की भाजी सर्विंग के लिए रेडी है। अब पाव रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन लीजिए, उसे गर्म होने दें। अब इसमें बटर डालें पर पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कीजिए। और पाव रखकर गोल्डन होने तक सेके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी पाव भाजी सर्विंग के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी के लिए सजेशन देना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं।